प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को नाइन्थ क्लास का प्रोज थर्ड लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। थर्ड लेसन का नाम है द लिटिल गर्ल, कैथरीन मैंसफील्ड। देखिए बच्चों, इसमें है क्या, पहले अबाउट द ऑथर के बारे में देखिए, लेखक के बारे में। कैथरीन मैंसफील्ड इज द पेन नेम ऑफ कैथरीन मैंसफील्ड ब्योचैन। कैथरीन मैंसफील्ड ब्योचैन का उपनाम क्या है? कैथरीन मैंसफील्ड। शी वॉज ए ग्रेट न्यूजीलैंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह जो है न्यूजीलैंड की एक संक्षिप्त कहानी की महान लेखिका थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1888 इन वेलिंगटन न्यूजीलैंड। वह 4 अक्टूबर को वेलिंगटन न्यूजीलैंड में 1888 में पैदा हुई थी। शी वॉज रिटन वाइडली ऑन फैमिली लाइफ। पारिवारिक जीवन पर बहुत व्यापक तौर से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। शी हैज ऑल्सो रिटन शॉर्ट स्केचेस। उन्होंने लघु रेखाचित्र भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। मैंसफील्ड डाइड इन 1923। मैंसफील्ड जो है 1923 में इस दुनिया से विदा हो गए। अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में क्या है? अ चाइल्ड मे गेट फ्राइटेंड ऑफ दियर पेरेंट्स। एक बच्ची है जो अपने माता पिता से प्रायः भयभीत रहती है, स्पेशली खास करके व्हेन द पेरेंट इज रूड एंड हार्श। खास करके बच्ची जो है तब भयभीत रहती है जब उसके माता पिता उसके प्रति कठोर से कठोर भाव दिखाते हैं, टूअर्ड्स द चाइल्ड, उस बच्ची के प्रति। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, अ चाइल्ड मिस्टेक देयर पेरेंट। एक बच्ची जो है अपने पेरेंट को, माता पिता को भी अपनी गलती से कठोरतम व्यवहार करने के लिए उकसा देती है। एवरी पेरेंट लव्स देयर चाइल्ड। हर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करता है। दिस स्टोरी टेल्स यू हाउ अ फ्राइटेंड गर्ल चेंजेज हर एटीट्यूड टू हर फादर हु सीम्स टू बी गुड। इस कहानी में ये बताया जाता है कि हाउ अ फ्राइटेंड गर्ल, किस तरह से एक डरी हुई भयभीत लड़की चेंजेज हर एटीट्यूड, अपने व्यवहार को बदल देती है टू हर फादर, अपने पिता के प्रति, हु सीम्स टू बी क्रूल, जो हमेशा निर्दयी कठोर दिखाई देते हैं। ओके, अब आप देखिए, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। इसका मतलब है कि उस छोटी बच्ची के लिए वे डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। हर सुबह काम पर जाने से पूर्व वे उसके कमरे में आते और उसे लापरवाह सा चुंबन देते, जिसके जवाब में वह पिताजी नमस्ते कह देती और अरे उसमें संतोष का प्रसन्नता भरा भाव होता। जब वह गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमा और धीमा होते हुए सुनती। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज नॉट द पेपर कम एट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। इसका मतलब है बच्चों, शाम को जब वे घर आते तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी रहती, कौन, वह बच्ची, और हाल में उनकी तेज आवाज को सुनती थी।
ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ, क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया है? माँ, जाओ और देखो क्या मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है, और मेरे जूते लेकर आओ। केजा, केजा या केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, उस बच्ची का नाम था केजिया। केजिया कहके उसकी माँ उसे पुकारती है। इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बुक, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम्हें नीचे आना होगा और तुम्हें अपने पिता के बूट्स को लाना होगा। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे वह लड़की सीढ़ी से नीचे आई। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, उस हॉल को, उस कक्ष को पार करने में उसको बहुत टाइम लगा क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे आई। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को उन्होंने धक्का देके खोला। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक वे अपना चश्मा चढ़ा लेते और उसके ऊपर से इस तरह से देखते जो कि उस छोटी लड़की को डराने वाला होता था। वेल केजिया हरी अप, अच्छा केजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, अच्छा केजिया जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और बाहर ले आओ, क्या आज तुम अच्छी लड़की की तरह काम कर रही हो? आई डोंट नो फादर, केजिया ने कहा, पिताजी मुझे नहीं पता। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ यू स्टटर लाइक द मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह दूसरे लोगों से हकला के बात नहीं करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह बिल्कुल शांत होकर के बात करती थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ ही वह हकलाती थी। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग टू शो हर टू स्टे टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उसके पिताजी उससे कोई बात बहुत कठोर शब्दों में कहा करते थे। वट इज द मैटर, क्या बात है? वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, इसका मतलब तुम इतनी दुखी किस लिए लग रही हो? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, वेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, माँ काश कि तुम इस बालिका को सिखाया होता कि वह आत्महत्या करती सी दिखाई ना देती। केजिया मेरा चाय का प्याला ध्यान से लेकर जाओ और मेज पर रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यंग, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइकिंग थिंकिंग अबाउट हिज जाइंट, इसका मतलब वे इतने विशाल काय थे, उनकी शरीर इतनी बड़ी थी, वो इतनी बड़ी काया वाले थे, उनके हाथ और उनकी गर्दन, खास तौर से उनका मुंह, जब भी वे जम्हाई लेते थे अकेले उनके बारे में सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचने जैसा था। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुजन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरी। इट मीन्स रविवार की दोपहर को दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में माता पिता से अच्छे से बात करने के लिए भेजा करती थी, किंतु वह छोटी बच्ची हमेशा माँ को पढ़ते और पिताजी को चेहरे पर रुमाल डाले सोफे पर पसरे हुए पाती थी।
उनके पैर एक बढ़िया तकिए पर होते थे, सोते हुए गहरी नींद तथा खर्राटे भरते हुए दिखते थे। से सैट ऑन ए स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही ओक एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। वह स्टूल पर बैठ जाती, गंभीरतापूर्वक उनको तब तक देखती जब तक कि वे जाग नहीं जाते और अगड़ाई नहीं लेते, और तब समय पूछते, तब उसे देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओल। ऐसे मत घूरो केजिया, तुम छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखती हो। वन डे, एक दिन, फैंसी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड सी वुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। इट मीन्स, एक दिन जब वह जुकाम के कारण घर पर थी तो उसकी दादी ने उसे बताया कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है, और सुझाया कि वह पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से सुंदर पिन कुशन उपहार देने के लिए बनाए। आगे देखिए, लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यूज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। इट मीन्स, दोहरी रुई लगाकर उस छोटी लड़की ने बड़े परिश्रम से तीन तरफ से सिल लिया, लेकिन इसे किससे भरा जाए यह प्रश्न था। दादी माँ बाहर बाग में थी और वह माँ के शयनकक्ष में कतरने देखने गई। बेड की मेज पर उसे बहुत से बारीक कागज मिले, उसने उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और अपने थैले जो उसने बनाया था उसमें भर दिया, और तब चौथी तरफ से सिलाई कर दी। उस रात घर में बड़ा शोर शराबा हुआ। पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण के लिए लिखा गया महान भाषण खो गया था, कब्रों को तलाशा गया, नौकरों से सवाल जवाब किए गए। अंत में माँ केजिया के कक्ष में आई। केजिया, मेरे विचार से तुमने तो हमारे कमरे की एक मेज पर कुछ कागज तो नहीं देखे। अरे हाँ, उसने कहा। किसने? केजिया ने। मैंने उन्हें सरप्राइज देने के लिए फाड़ दिया था। क्या? माँ चीखी। इसी क्षण सीधे नीचे भोजन कक्ष में जाओ। सिक्स पैराग्राफ है। And she was dragged down to feather father was pacing to and fro, hands behind his back. उसे खींचकर नीचे वहां ले जाया गया जहां पिताजी अपने हाथ पीठ पीछे बांधे इधर उधर टहल रहे थे। Well, अच्छा, he said sharply, उन्होंने कठोरता से कहा। Mother explained, माँ ने समझाया। He stopped, वह रुक गए, and stared at the child, और उस केजिया बच्ची को घूरते रहे। Did you do that? क्या तुमने इसे ऐसा किया है? No, she whispered, नहीं, वह फुसफुसाई। Mother, go up to her room and fetch down the damned things. See that the child's put to bed this instant. माँ, ऊपर अपने कमरे में जाओ और उस बकवास की चीज को नीचे लेकर आओ, और देखो बच्ची को इसी क्षण सुलाओ। Okay, thank you. शेष पार्ट अगले वीडियो में।